पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शफकत चीमा से मिलने बागबानपुरा लाहौर में उनके दोस्त रहील अशरफ के डेरे पर पहुंचे। बेटे शहरयार चीमा और अजीज़ो अकारब के हमराह इस्तकबाल किया। चीमा साहब, आप अभी तक अपने पुराने इलाके बागबानपुरा में ही रहते हैं। फिल्मी अदाकारों को तो थोड़ी सी शोहरत मिलती है तो वो मॉडर्न बस्तियों में शिफ्ट हो जाते हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं गए? जहाँ इंसान का बचपन गुजरा होता है ना, अगर वो इंसान है तो उसे उस जगह से इश्क हो जाता है, उसका दिल नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊँ। मेरे वालिद साहब यहाँ हैं, मेरा ख़ानदान यहाँ है, तो मैं इनको छोड़कर जा नहीं सकता। आपने जामिया नईमिया में बाकायदा मजहबी तालीम हासिल की, तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ा, लेकिन आपने लाइन अदाकारी की इख्तियार कर ली जो कि बिल्कुल मुतजाद थी, ऐसा किस तरह हुआ? सुहेल साहब, मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपके सामने बैठकर, और दिल की बातें मैं आपसे करूँगा। मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया। मैं तो नादान ही था। मेरे वालिद साहब एक दीनी घराने से ताल्लुक था और वो आलमे दीन थे और एक जामिया मस्जिद के इमाम थे। उनकी ख्वाहिश थी कि, क्योंकि बचपन में मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर ना मेरे ही रास्ते पर चलकर एक आलमे दीन बनेगा। चलते चलते सफ़र गुजरता गया तो मेरा कुछ ख़ानदान गुजरांवाला शरीफ में मतलब रहता है, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक जलसे का कोई अहतमाम था। मुझे वहाँ पर लोगों ने बुलाया कि यार कारी साहब का बेटा आया है, ज़रा इनसे तलावत कुरान पाक ज़रा सुने। अभी मेरा बचपन ही का ज़माना था तो मेरे पास कुछ पैसे आए तो वो मेरे साथ मिल गए, कहने लगे आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे। तो मैं मुझे वो लेकर एक जगह पे चले गए तो मैं देखा तो बाहर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार इधर कायदे आज़म की तस्वीर है तो आगे ये एक और लोगों की क्या क्या तस्वीर है। तो मुझे वो कहते हैं कारी साहब आप कभी इधर नहीं आए? मैं कह जी नहीं, ये सिनेमा है। तो मुझे कहते हैं कि पैसे निकाल कर ना इस ये बुकिंग जो छोटी सी बनी हुई ना इसके अंदर अपना हाथ डालो, आपको दो टिकटें मिलेंगी। बड़ा सादा सा मेरा माहौल था और मैंने वो पैसे लेकर ना वो बुकिंग के अंदर मैंने हाथ डाला ना ऐसे, तो आगे वो जो बुकिंग वाले थे जो अंदर टिकट दे रहे थे उनका कोई पेट बड़ा था, वो मुझे इस बात का इलम नहीं था। मैंने जल्दी ऐसे मैंने अपना हाथ अंदर किया ना तो उनके पेट पर मेरा हाथ लग गया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक ध्यान की गाली दी तो वो मुझे अच्छा ना लगा कि यार उसने दो टिकटें दी और हम जब अंदर गए तो अंदर अंधेरा था। अब इधर फिल्म चल रही थी, इधर मैं उनके साथ अंदर अंधेरे में गया हूँ, ये ज़िंदगी का पहला वक्त है। अजूबा ही मैं देख रहा था कि ये दुनिया क्या है। तो मेरा जो चेहरा है वो इस तरफ है, स्क्रीन इस तरफ चल रही है, तो मुझे कहते इधर देखो। तो मैंने ऐसे से देखा ऐसे स्क्रीन पर कि अजीब है, एक बड़ी सी एक दीवार उसके ऊपर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हर हकीकत का एक रंग नज़र आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये पीछे से लाइट नज़र आ रही है, ये है वो है। तो वो फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था मुखड़ा, उसकी हीरोइन थी सबिया खानम। तो बैठे बैठे देखता देखता मैं कभी उनकी तरफ देखता कभी मैं दुनिया की तरफ देखता कि दुनिया भी बैठी हुई है। जब ये गाना आया ना मेरा दिल चना कच दा खड़ौना ते वेखी ना तोड़ना दवें, तो हल्का सा अंदर ना एक खुर्ची जी सी एक महसूस हुई। दूसरा गाना उसका आया दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे, तो मैं सोचने लगा। आखिर फिल्म चलती रही, हम बैठे रहे, लेकिन एक सख्ता सा तारीख मेरे जगह जिंदगी में पहली बार मैंने देखा और लोग लाइट बली, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। तो मैंने उनसे कहा अपने कदम से, मैंने कहा असलम मैं जब आऊँगा ना तो जलसे से मुझे काफ़ी पैसे मिलते हैं, महफिलों से ना मुझे काफ़ी पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ ये लाहौर में भी है, ये दुनिया के हर खत्ते में, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था, मैं बिल्कुल भोला सा
तो मैं जब आऊँगा ना तो मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगा, तो आप ऐसे करना कि मुझे ज़रा इनको रज रज कर ज़रा दिखाना ज़रा मुझे। मेरा दीन से लगाव जो था वो कम होना शुरू हो गया। चलते चलते मैंने उनसे भी बात की, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग कहाँ काम करते हैं। एक शख्स ने मुझे कहा कि तुझे पता नहीं ये तेरी दो चार गली छोड़कर एक शख्स वहाँ पे स्टूडियो में काम करता है। मैंने पहले उनको उनके बच्चों को अपना दोस्त बनाया, तो तुम चलो तेरा शौक है तुम सुबह आ जाना। तो मैंने पूछा कि जी मैं कपड़े कैसे पहनूँ, उन्होंने कहा अच्छा कोट होना चाहिए, पेंट होनी चाहिए जैसा उनका माहौल है ऐसा। गया मैं लंडे में, मैंने खूबसूरत पेंट खरीदी, कोट खरीदा, मैं टाई शाई ऐसे खरीद के मैं एक हीरो बनकर मैं शानू स्टूडियो में जब जाकर गाड़ी रुकी तो मैं नीचे उतरा तो मैंने ऐसे देखा शानू स्टूडियो को पहली ज़िंदगी में पहली मरतबा। तो मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर उस ज़मीन को मैंने बोसा दिया। एक शख्स हाथ पड़ा, ओए ये यहाँ पर तुमने बोसा क्या, मतलब क्या देख लिया इस ज़मीन को तूने। तो मैंने कहा जी असल में बात ये है कि मैं बड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। अब तक 946 फिल्मों में काम कर चुके हैं, ज़्यादातर फिल्मों में विलन और कुछ में हीरो भी। आपको विलन बनना बुरा नहीं लगता? असल में बात यह है कि मेरे अंदर तो सुहेल साहब एक हीरो ही था, लेकिन मेरे अंदर वो परोश नहीं थी क्योंकि मैं एक मौलवी का बेटा था। मुझे क्या पता ये लोग क्या हैं, कैसी शख्सियत के मालिक होते हैं ये। तो मैं तो ढूंढ रहा था ना कि मुझे काम मिले काम मिले काम मिले। मैंने पेंट्री का काम थोड़ा मैं करता था, पेंट्री लिखना अच्छा लिखाई। तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ तो किसी की दीवार लिखने के लिए मैं गया, शायद आपने नाम सुना हो गुज्जा बुड्ढा गुज्जर प्रोडक्शन, उधर मैं बैठा हुआ तो मुझे कहते कि यार ओए पेंटरी पेंटर। मैं कहा हाँ जी। और चीमिया अगर आप ऐसे डॉक्टर के कोल मैं जाना तो चल मेरे नाल। वो उनकी मैं जीप पर बैठ कर तो वहाँ पर उनके साथ चला गया। वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे, हाथ में लाठी उनकी होती थी। तो जब हम डॉक्टर के साथ पास पहुँचे ना तो वो कहने लगे यार अब कितनी देर लगेगी मेरी इस टांग को। तो उसने ऐसे दिखा कर ना तो वो कह मुझे डॉक्टर ना मेरी तरफ डॉक्टर ने देखा ऐसे, कहने लगा जोई साहब अगर आप ठीक होना चाहते हैं ना तो दो लड़के आपके पास ऐसे होने चाहिए। तो देखकर मुझे कहते कहते ऐसे यंग लड़के, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर था, मैंने मिस्टर लाहौर किया हुआ था बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन लंगोटे का मैं बहुत पक्का था। ये मुझे घर से बड़ी एक नसीहत थी, वसीयत भी थी मेरी। हाँ जी। तो जो भी देखता था वो रह जाता था कि यार ये कितना खूबसूरत लड़का है यार। तो वो डॉक्टर ने मुझे ऐसे देखा ना तो वो देखे कहता है कि या तो फिर इस जैसे दो लड़के होने चाहिए जो आपकी टांग की मालिश करें। तो अब हम वापस जब आ रहे थे तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि चीमा मैं तेरे साथ एक बात करूँगा। कि जी हाँ जी। अगर तुम मालिश करके मेरी टांग ठीक कर दो तो मैं रब को हाजिर नाजर करके कहता हूँ मैं तुझे हीरो लेकर फिल्म बनाऊँगा। मैंने अपनी ज़ात की सुहेल साहब नफी करके मैंने अपने मन के अंदर का जो इंसान था ना वो मैंने मार कर मैं एक मालिशिया बनकर उनके पास मैंने जाकर उनकी टांग की मालिश करनी शुरू कर दी। चलते चलते वक्त जो था वो गुजरता गया, लोगों ने ये समझा कि चौधरी साहब ने इसको एक मालिशिया रखा हुआ है। तो एक शख्स आया, वो आकर ऐसे बैठा है तो वो कहता है चौधरी साहब वो मुंडा चीमा कितने हुए, उनका यार अंदर गया है। मैं वाशरूम से बाहर निकला और तेनों बिल्लू साहब बुलाते हैं, बिल्लू साहब शैया प्रोडक्शंस। और मैं जाकर ना दरवाजे में खड़ा हो गया तो कहते ने ओए ओए तेल वो लाही ओए कितने बहुता गर्म तेल ना कितने लाने कितने मैं फिंसियाँ फुंसियाँ कटवा देंगा। उन्होंने ये कहा उन्होंने समझा कि ये कोई मालशिया है जी। तो मैंने बाहर खड़े होते हुए कहा मैंने कहा बिल्लू साहब मैं मालशिया तो नहीं, आंखों में आंसू थे मैं मालशिया तो नहीं। तो कहते फिर तू कौन है, उसने जाकर ना उठकर ना उसने वो लाइट जलाई तो मेरी आंखों में नाम थे। तो उधर क्या करने के लिए जाता, उसने इतनी बड़ी मोटी गाल मुझे तो उधर क्या करने के लिए जाता। मैंने कहा जी कहना क्या गया, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे शौक है हीरो बनने का, एक्टर बनने का शौक है, मैं तुझे हीरो लेकर तुम तेरे पर फिल्म बनाऊँ। उसने मुझे इतनी बड़ी एक गाली दी, उसने ना मुझे दबाने का कहा ना मुझे कुछ करने का कहा। उनका उठे तूने होने चल चल उसी तरह वो
कपड़े शपड़े मेरे जैसे थे, मैंने कहा अभी चल मेरी फिल्म शुरू हुई कालका, तो जा जाके तो बारिश स्टूडियो में जा, तो मेरे ऑफिस में जाके तो उनसे मिल, मैंने एक नए डायरेक्टर को लिया अपनी फिल्म का डायरेक्टर है शाहिद राणा, वो मुझे हीरो समझ कर देखने के लिए आए हैं, तो मैं अगर वो कपड़े वही पुराने वो पेंट्री वाले कपड़े रंग शंग लगा हुआ है, तो मुझे आकर वो कहते हैं कि कहाँ है वो शफकत चीमा साहब, मैंने कहा जी मैं ही हूँ शफकत चीमा है, मैंने उन्होंने बिल्लू साहब ने भेजा, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी गाली दी, तो मुझे कहते हैं कि जाए जा जा जाके काम कर, और जाके चोरा किसी की चोरी कर, जाके कपड़े पा कुछ चंगा खुलिया बना गया, और चलो चलो तेन क्या दवागे तेन फिल्म काम, तो यार वो बहुत छब्बी उनका बड़ा भाई था, तो उसने कहा जे प्रवान ही लेना ही तो नासिर भोलू लै, नासिर भोलू उस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत थी, अब जब नासिर भोलू सड़क पर आए ना तो मैं देख रहा हूँ ऐसे, तो मेरे दिन में है कि यार इसकी जगह मुझे लेना था, मैं देखूंगा कैसा बोलता है, मैं नहीं बोलना था तू आप बोल रहा, मतलब जो उनकी आवाज़ थी बच्चों जैसी उनकी आवाज़ थी, लेकिन वो पहलवान था, एक बड़ा नाम था उसका नासिर भोलू का, कोई छोटा शख्सियत का मालिक था नहीं था, उसने एक बार कहा दो बार कहा चलो चलो चुप मैं नहीं काम करता, मैं भी चो दुआ करा बह गई यार को बोले नहीं जाते मैनू कहने ये कपड़े ये पहन लो, उनके नाम बोला उसने मूछ उतार कर उनको दे दी, मैं कह ये मुझे कह बहू छब्बी ने कहा कि यार छोड़ो यार तू लेना ना हीरो लेना ना, मैं हीरो कोई और ले लेता हूँ, उन्होंने कहा बहू छब्बी जी तुम मेरी गल च नहीं बोलना, मैं शफकत चीमा विलन बना जे आओ मैं तेरा मुंडा दिखावा तेरा, वो मैं पीछे खड़ा था और जाए जाके ना कपड़े पा के आ तू, तो जब सेट पर गया तो वहाँ पर अंजुमन बेगम सेट पर मौजूद थे, तो कौन कौन काम उनका यार ये लड़का है आपके साथ, तो मैं जब उसके साथ काम करने लगा ना तो अंजुमन बेगम मुझे कहती हैं तेरे पास कोई कपड़े नहीं उन्होंने सिलवाए, मैं कह जी नहीं मेरे पास, उन्होंने कहा यार जो तू मर्जी पहन के आ जाना, मैंने वो ब्रैक रैक्सिन पहनी यहाँ पर, फिर मैं मिस्टर लाहौर की तैयारी में था, जब मैं सीढ़ियों से उतरा ना तो अंजुमन बेगम की मेरे पर नज़र फिक्स हुई, तो वो देखती ही रह गई, उसने जब देखा ना तो जब मैंने शॉट दिया पहला मैंने शॉट दिया तो देखते देखते अंजुमन बेगम ने बड़ी तालियां शालियां, वो जो ड्रेस मैंने पहना था बड़ा मेरे से इंस्पायरेशन। तो वालिद साहब ने मुखालफत नहीं की जब आप फिल्मों में गए अदाकारी शुरू की? ओहो हो आपने सुहेल साहब खूब मेरी नस को छेड़ा है आपने, तो जब उनको ये पता चला कि यार मेरा बेटा किस तरफ चल पड़ा है, तो आखिर एक दिन मैंने बाप को हरा दिया, वो कैसे हारे, मैंने कहा जी आप ऐसे करें आपकी इतनी बेटियां हैं आपकी बड़ी मेहरबानी, आप समझे कि आपके घर बेटा पैदा ही नहीं हुआ, आप मुझे बेटी समझकर मुझे जहेज दे दें, तो जहेज आपने मुझे क्या देना है, एक पलंग बना कर दे दो, दो कुर्सियाँ दी एक टेबल दी, अब मैंने सुबह चले जाना है, तो हम रात का एक वक्त है और मैं ऐसे जाने लगा स्टूडियो, तो मुझे कहते हैं कि शफकत हुसैन मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ, आनंद आदमी थे तो उन्होंने ऐसी चीज़ एक बंधी हुई थी ऐसे, तो वो उन्होंने ऐसे दिया तो मैंने पकड़ लिया, तो मैंने कहा ये क्या है, यार खोलो मैं तुझे कुछ देकर जा रहा हूँ, मैंने सोचा कि यार कुछ पैसे होंगे या कुछ ऐसी कोई बात हो गई, क्योंकि चीज़ें तो सारी बना दी, जब मैंने उसको खोला तो उसमें कुरान मजीद था, तो मुझे कहते हैं कि यार मैंने आपको ये इसलिए दिया है कि जब कभी कभी याद आए ना तो इसको पढ़ कर ना ज़रा मेरी रूह को ज़रा बख्श देना, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा लगा, मैंने कहा कि बस आप ऐसे करके आप मुझे बुलाया ना करें, तो फिर अकेला ही बेटा हो हैं और फिर ऐसा बात कह दी जाए, हाँ जी मैंने कहा आप ऐसे करें कि मैंने आपको कहा ना कि आप मुझे बेटी समझ कर मुझे अलविदा कर लें, आप समझे कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, तो आप मुझे ना बुलाया करें, और यार मेरी बात तो सुन मेरी बात तो सुन, मैंने ऐसे वाले साहब को ऐसे धक्का दिया सेम, मैं आप छोड़े मुझे, तो उनके यहाँ ना दर्द निकली, तो मुझे यार मुझे पकड़ ले यार और मेरे दर्द निकली है, मैंने उनके दर्द को महसूस ही नहीं किया, जो गलतियाँ हो ना इंसान को मान लेनी चाहिए मैंने उनके दर्द को महसूस नहीं किया और मैं चला गया। सुहेल साहब ये मेरे
अल्फाज सुनने वाले हैं। कहते हैं यार शफकत हुसैन एक बात कहूँगा कि जी अगर तुम कहो तो बाप अपनी दाढ़ी साफ करा के तेरे साथ तेरा बस्ता पकड़ कर स्टूडियो ना जाएगा। गैरों को अपना बनाना कोई शफकत चीमा से सीखे। अगर मेरे बस में हो तो मैं रब के पास सजदा इनको करूं। क्यों? वो इसलिए कहूं कि मेरे बाप के मरने के बाद अगर ये ना होते तो मैं ना होता। आज जिस मकाम पर मैं हूं ये शफकत चीमा की बदौलत है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और मेरी उम्र भी इनको लगा दे। ही इज़ अ लेजेंड एक्टर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने इन जैसा एक्टर और जो पैशनेट एक्टर मैंने नहीं देखा। हालांकि मैंने काफ़ी एक्टरों के साथ काम भी किया। मेरी रिसेंटली एक फिल्म लगी थी जियो सर उठा के, और बाबर अली थे जिनमें और नैयर जाज साहब थे। लेकिन जो मेहनत मैंने अपने फादर में देखी है मैंने किसी एक्टर में नहीं देखी। जो ये फिल्म में नज़र आते हैं एज अ विलन और गुस्से वाले, ये बहुत हटके हैं। ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन और बहुत प्यार करने वाले। माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं। जब से मेरा इनके साथ हुआ है, मैं इनके ज़िंदगी में यानी कि मेरे आए हैं, तो काफ़ी यानी कि अच्छा हमारा टाइम गुजरा है। आज तक कभी भी कोई नहीं मैंने इनमें बुरी बात देखी। तो हमेशा जब भी मिले मुझसे प्यार मोहब्बत शफकत से मिले हैं मुझे। बहुत सी फिल्में देखी हैं, शूटिंग पे भी जाता हूँ। इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनको देख के हमारे अंदर भी एक मेहनत का जज्बा पैदा होता है। इस एज में जिम करते हैं तो इनको देख के हमें भी शौक पैदा होता है। ऐसे अच्छे इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे। एज अ फादर तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन फादर इन लॉ उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। चीमा साहब माशाल्लाह बहुत ग्रेट इंसान हैं जी। दोस्तों के दोस्त हैं, भाइयों के भाई हैं, और आखिरत की जो है ना फिक्र करने वाले भाई हैं। दोस्तों को अच्छा मशवरा देते हैं। मेरे कज़न हैं, लेकिन इंडस्ट्री में तकरीबन सबको ये पता है कि यार ये छोटा भाई है और ये बेटा है। और मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है जो इन पर बड़ा फिट आता है। चंगियां दे लड़ लग जाइए तो चंगा आखन सारे, चंगे कर दे कुत्ते नू रोड़ा कोई ना मारे। तो आज जो हमारी रिश्ते हैं, जो मुकाम है, जो अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा हुआ है, और ये सब कुछ इनकी वजह से है। उलमाए कराम मिलने आ गए। छत पर जिम भी बना रखा है। इस उम्र में भी बाकायदगी से वर्जिश करते हैं। ये फार्म हाउस जो है इसमें मैंने अपने बड़े पसंदीदा मोर रखे हुए हैं। ये दो जोड़ियां हैं, ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस जोड़ी में इतनी मोहब्बत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे मियां और बीवी मोहब्बत होती है ना, इसी तरह इनमें भी एक प्यार नजर आता है। उन्हें परिंदों से खास मोहब्बत है। रवाना हुए। फिल्मी दुनिया में अब तक 946 किरदार अदा कर चुके हैं और कुछ फिल्में अभी जेरे तकमील भी हैं। ये बताएं कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? उस फिल्म का नाम है चूड़ियां जी। आप देखें कि उसमें मैंने एक बाप का रोल किया है। कहाँ शफकत चीमा एज ए विलन रोल करने वाला, कहाँ एक बाप बन गया। और फिर उस फिल्म का मुझे नेशनल अवार्ड मिला। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गम कब किया है? कब कौन सा लम्हा था जिसमें सबसे ज़्यादा गम हुआ? जिस दिन मेरे वालिद साहब का विसाल हुआ और मैं पछतावे की दुनिया में चला गया कि ऐसा बाप चला गया कि मैं अपने बेटे को उस नज़र से देखना चाहता हूँ जो मरने के बाद भी ज़िंदा रहे। तो वो उनकी ये ख्वाहिश थी जो आज तक मेरे दिल में है। और ज़िंदगी में सबसे खुशी का लम्हा कौन सा था? जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जिस फिल्म का नाम था कालका, तो मैंने अपनी मामा को आगे कहा, माँ आज मेरी पहली फिल्म लगी है कालका। अपनी तालीमी दर्शगाह जामिया नईमिया गढ़ी शाहू पहुंचे।
मौलाना ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने इस्तकबाल किया। नाज़िम आला जामे नईमिया मुफ्ती डॉक्टर राघब हुसैन नईमी से मुलाकात की। हमारे इलम में था कि शौकत साहब यहाँ पर साहब फैज करते रहे हैं दादा जान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अलैहि रहमा के ज़माने में, और बीच में एक दफ़ा मुलाकात भी हुई, तशरीफ़ लाई यहाँ पर। तो आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपने अलमा मैटर में दोबारा शौकत साहब को हम वेलकम कहते हैं। हमारे उलमाओं को उस्तादों अपने शागिर्दों से अपने बच्चों से मोहब्बत इतनी करनी चाहिए कि उनका दिल जो है वो पागी ना हो जी। अगर शफ़क़त चीमा अगर उस सोचारी उलमा सोच सा अगर मुझे मोहब्बत मिलती तो आज शफ़क़त चीमा एक्टर ना होता, एक दीन का बहुत बड़ा आलिम। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी मरहूम और डॉक्टर सफाद नईमी की कब्रों पर फातिहा खानी करने आए। अब जिंदगी के आखिरी हिस्से में मैं फिर यहाँ आया हूँ, इस रास्ते पर मैं फिर चुना हूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मेरी जिंदगी का जो खात्मा है वो दीन के लिए, मैं इस दफा हमेशा के लिए आ रहा हूँ। फिल्मी दुनिया में आपका कोई स्कैंडल तो नहीं बना, लेकिन रीमा से आपके इश्क की कहानी गर्दश करती है। ये इश्क कितना सच्चा था और इसका नतीजा क्यों ना निकल सका? मैं रीमा जी की शख्सियत से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ कि मेरी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ही नहीं कर सकते कि मैं कितना उनसे प्यार करता हूँ। अगर मैं कह दूँगा तो मेरे पे फतवा लग जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे उनसे प्यार ही बड़ा है और इंशाल्लाह हमेशा मेरे मरते तम तक ये प्यार रहेगा। बड़ा काम किया उनके साथ, ये ना लोग समझे कि मेरी को नज़र ऐसी थी या ऐसी कोई बात थी, लेकिन इंतखाब ज़रूर था यार, अगर मेरा कोई साथी हो तो रीमा जैसा हो। तो मैंने उनसे कह भी दिया जी, रीमा जी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। तो कहने लगी प्यार यही होता है जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। तो मेरी भी दुआ है रीमा जी आप हमेशा के लिए ज़िंदा रहें। जब रीमा से आपने मोहब्बत का और इश्क का इजहार किया तो ज़ाहिर है इसमें शादी की ख्वाहिश भी शामिल थी, उन्होंने क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुझे जवाब दिया एन इश्क जिन्होंने लग जाता वो फिर देने वाग दीवानिया दे, कई सुख जाते कई मुक जाते कई सड़ जाते नाल तान आते, इश्क जिन्ह की हिक तो लत रखे अकल नस जाती भी चौखाने दे, तो बदे इश्क दे चीमिया नहीं छुटते कैदी छुट जाते कैद खाने दे। वे जे इश्क करना ही तो अपने काम ना इश्क कर, तेरा इंशाल्लाह नाम पैदा होगा। मेरा टारगेट कुछ और है, मेरे वालदैन की ख्वाबें कुछ और है, मेरा इंतखाब कुछ और है। तू प्यार करता है कर, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। अल्लाह तेरे दिल को साफ रखे, मेरी नज़र को भी साफ रखे। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं शफ़क़त हुसैन। मुल्तान रोड लाहौर पर वाके शबाब स्टूडियो आए। नामवर हदायतकार सैयद नूर अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे। अदाकारा साइमा खान से सेट पर मुलाकात की। लोग शफ़क़त चीमा साहब को जहाँ रेट करते हैं वो एक वर्स्ट स्टाइल एक्टर के तौर पर करते हैं। जहाँ जहाँ इनको परफॉर्मेंस वाले रोल मिले इन्होंने कमाल कर दी। मुझे ज़ाती तौर पे जो इनकी फिल्म पसंद है अपनी फिल्मों में वो अंगारे है, जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत के साथ काम किया था। तो मैं इनको यही कहूँगा कि एक कमी थी जो पूरी नहीं हो रही थी अलाउद्दीन साहब के जाने से, तालिब साहब के जाने से, अजमल साहब के जाने से, और इस किस्म के जो हमारे सीनियर वर्सटाइल एक्टर्स रहे हैं उनके, तो वो किसी हद तक चीमा साहब ने पूरी की। ग्रुप फोटो बनवाई।
गुजरांवाला जाने के लिए रवाना हुए। इसी जमाने में तो फिल्मी दुनिया में बहुत पैसे होते थे। आप कितने पैसे हैं? आप कितने अमीर हैं? बड़ा सवाल है। अब फिल्म इंडस्ट्री में पैसे कहाँ से इतने आ गए? हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या है? किसी ज़माने में तो जो एक्टर है उसके पास बेहतरीन घर, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन लाइफस्टाइल होता था। लेकिन इस वक्त हमारे पास भी बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे एक फिल्म के कितने पैसे मिल जाते हैं? मुझे इस वक्त भाई ये ना होगा टैक्स वाले मेरे पीछे भेज देंगे यार। यार शफकत चीमा तो इतने पैसे लेता है यार, 8-10 लाख तो मिल जाता है। इतने पैसे तो मतलब, और हक भी है यार, गाड़ी का खर्चा होता है, अपने अखराजात होते हैं सारे, इतना तो मिल ही जाता है। चीमा साहब, आपको अफसोस है कि आप एक्टर बन गए, आलम ना बन सके, लेकिन अपने बेटे को फिर आपने एक्टर बना दिया। मैं वो दीवार नहीं बनूंगा जो मेरा बाप मेरे लिए दीवार बन गया था। मेरे बाप ने तो अपनी ज़िंदगी दे दी, अपनी हमेशा के लिए ज़िंदगी मुझे मेरे पर कुर्बान कर दी, तो आज तक मैं अपने बाप को ढूंढ रहा हूँ। यही तो बात है जी, अपने दिल की बात सुनाऊँ तो किसी को क्या कहूँ। ख्वाहिश तो यही थी कि मेरा बेटा भी आलम दीन ही बने, लेकिन ब्लड उसका एक एक्टर का था, उसके अंदर ये जरासीम हैं, उसका एक शौक़ है। उस पर एक फिल्म बनाई, जो फिल्म है उसका नाम था जियो सर उठाकर, मैं उसका विलन था और मेरा ही छोटा भाई उसका डायरेक्टर था, मैं अजीम चीमा। पाकिस्तान और भारत की फिल्मी दुनिया में आपको कौन सा कैरेक्टर, एक्टर और विलन पसंद है? एक इंडिया के एक्टर थे, अल्लाह उनको करोड़ों हाँ जन्नत नसीब अता फरमाए, उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ और अल मशहूर मरफू उनका नाम था दिलीप कुमार। मैं उनसे इंस्पायरेशन था। मेरे का हॉलीवुड के एक एक्टर थे जिनका नाम था एंथोनी कॉइन। और आप यह देखें, आप मेरी फिल्में उठा कर जरा देखें, मेरी चाल ढाल, मेरा देखना सारा एंथोनी कॉइन जैसा है। चीमा साहब, विलेन का रोल अदा करते करते शख्सियत पर भी तो मनफी असर पड़ जाता है, लोग उसी तरह बिहेव करते हैं आम जिंदगी में मिलते जुलते, आपको भी कभी ज़िंदगी में ऐसा पाला पड़ा? कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं गया हूँ तो मुझे एक चीख की आवाज़ आई है, तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, तो कहीं यार एक बच्चा है, वो आप उसने देखा वो डर गया है, तो उसके वालदैन मेरे पास है। मैं फिर उस बच्चे के पास गया, वो बड़ी हैरानगी के साथ मुझे देख रहा है और मैं उसको जाकर प्यार करता हूँ, मोहब्बत कर रहा हूँ, है जी, तो बड़ा प्राइड करके हंस रहा हूँ उसकी तरफ, मैं देख रहा हूँ, है जी। तो बात ये है कि मेरी ये कामयाबी थी कि विलन जो है वो हार्ट इसी तरह का ही हो कि लोग उससे खौफ खाएं। सुल्तान राही की तरह आपने भी बतौर एक्स्ट्रा फिल्मी दुनिया में काम शुरू किया, सुल्तान राही के साथ कैसा सफ़र रहा आपका? मेरी 6 बेटियां और एक मेरा बेटा है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं अपने वालदैन का अकलौता ही बेटा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मेरे घर में भी अल्लाह बेटा थे, तो बेटियाँ पैदा होती गईं। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी बीवी उम्मीद पर आई, तो मैंने उसे कहा यार ये अल्ट्रासाउंड करा कर आओ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे बेटा दे, तो वो डरते हुए जाती नहीं थी, तो मैंने ना गुस्से में आकर ना उसके 2-3 मैंने थप्पड़ उसके उनके मुंह पे मार दिए, तो मैं बड़ी परेशानी की हालत में स्टूडियो गया था, आगे राही साहब के साथ मेरी शूटिंग थी। क्या बात है, कोई परेशान नजर आ रहे हो, राही साहब मुझे कहते हैं, मैं कहा नहीं राही साहब ये यार घर में ज़रा थोड़ी सी परेशानी है, इसमें इसलिए आया हूँ, तो मुझे वो गुस्से से कहते हैं बेवकूफ़ आदमी, तो इसमें उसका क्या कसूर है भाई, हैं पागल, तो मेरी आंखों में ना ग्लेर हो गई, मैंने कहा जी ख्वाहिश तो होती है ना ये है, पागल जाना हुए थे, वो मेरे कंधे पे हाथ रख कर ना थोड़ी दूर चले गए। मैंने ना थोड़ी दूर जाकर ना, तो मैंने देखा कि बग़ैर क़याम के, बग़ैर किसी चीज़ के, ऐसे ही डायरेक्ट ही अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सजदा कर दिया ज़मीन के ऊपर। मैं देख रहा हूँ, जब थोड़ी देर वापस आए तो मैंने देखा यहाँ पे नाक पे कालख लगी हुई है, यहाँ पे माथे पे कालख लगी हुई है, हाथ जो है वो कालख से भरे हुए हैं, फरोर के पीछे सारी कालख कालख होती है, तो हाथ भरे हुए हैं ना मेरे, ऐसे कांधों पे हाथ रखे ना ऐसे, तो मुझे चल पड़े। और यार शफकत चीमा, तो मैंने देखा कि आंखों में नम थी, तो मुझे कहना शफकत चीमा, मैं कहा जी, और मैं नहीं कह रहा, मैंने किसी ने कहा भाई अल्लाह तेरा पुत्र देगा, वह ये मेरा बेटा उसकी दुआओं से पैदा हुआ। पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में बतौर इंसान सबसे अच्छा अदाकार कौन सा लगा? सुल्तान राही की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत थी, कम से कम 200 से ऊपर मैंने फिल्में की हैं उनके साथ। और कौन सी फिल्मी अदाकारा ऐसी है जो बहुत अच्छी इंसान हो, अच्छी अदाकारा भी हो? अंजुमन बेगम की अपनी एक शख्सियत थी, और
बहुत अच्छी रही, उनके साथ भी काम करने के इत्तेफाक हुआ, लेकिन सैमा यू आर द ग्रेट शख्सियत की मालिक है। हमारी सैमा एक बड़ी खसूसी सितारा है, बाकी तो सारी कहकशां हैं। रेस्टोरेंट पहुँचे, उनके मेज़बान शहरयार गुराया ने इस्तकबाल किया। उनके एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया था। शहरयार गुराया के वेब चैनल पहुंचे, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, आतिशबाजी भी की गई, दफ्तर का विजिट किया। अपने ससुराल आए, अहले खाना ने फूलों की पत्तियां बरसाई, अपनी नवासी मरियम से बहुत प्यार करते हैं, उसे गोद में बिठाया। चीमा साहब, दुनिया बदल गई, दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई, आप अभी तक मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करते? मोबाइल शॉप अपनी है, मेरी अपनी शॉप है चीमा मोबाइल। मैंने फैसला कर लिया यार, जहाँ पे झूठ बोला जाता है मैं इस चीज़ को अपने पास ही नहीं रखूँगा। आप फिल्मों में स्टंटमैन की मदद भी नहीं लेते, कितने जख्म लग चुके हैं, कितनी बार गिरे हैं आप? दुनिया में नाम ऐसे नहीं होते, इंसान को पहले मरना पड़ता है फिर जाकर कहीं नाम बनते हैं। मैं एक्टर टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्ट एक्टर, फिर मैंने जहाँ भी जिस फिल्म में भी मैंने काम किया, मैं अपना स्टंट जो है, स्टंट मैन जो है, वो इस्तेमाल नहीं किया आज तक। इसलिए दुनिया मुझसे बहुत लव करती है, मेरे वजूद का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो टूटा हुआ नहीं है। हकीकी दुनिया में तो आपका किरदार और है, लेकिन फिल्मी दुनिया में तो आप लड़कियां उठा कर ले जाते हैं। किस हीरोइन का वजन ज़्यादा था, किसका सबसे हल्का था? यह आपने वैसे खूब सवाल किया है जी। तमाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जो शफकत चीमा को उठाने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। और एक एक नहीं, दो दो, मैं दो लड़कियां उठाकर वो सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़ गया, ये रिकॉर्ड ही मैंने तोड़ दिया। और रिकॉर्ड इस शफकत चीमा के बाद वही तोड़ेगा जिसका अंदर अच्छा होगा, जिसकी आँख अच्छी होगी। मजहबी दुनिया छोड़कर फिल्मी दुनिया में गए तो कुछ ना कुछ हलाशें भी लगी होंगी, कोई शराब, नशा, जुआ, कुछ ना कुछ तो लगा होगा। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो देखा तो यहाँ तो बड़े लोगों का काम है, गरीब आदमी का यहाँ पर क्या काम हो सकता है? या तो तुम अपनी जान की बाजी लगा दो या अपने आप को साफ रखो। तो मैं मस्जिद में गया, मैंने जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह अर्ज़ किया, अल्लाह तू ही मेरा मददगार है, यहाँ पर मेरा कोई बाप डायरेक्टर तो नहीं है या फलाना ऐसा है सहेल साहब। आज तक कोशिश तो मैंने की है लेकिन आज तक दाग अपने वजूद को नहीं लगने दिया। बहुत रंगा रंग किरदार अदा किए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा किरदार तो होगा जो अभी आपने नहीं किया, वो कौन सा है? हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के राइटरों को सोचना चाहिए, जो मुसन्नफ़ हैं, जो तख्लीकार हैं, जो सोचते हैं कि यार शफकत चीमा बाप भी बन गया, दादा भी बन गया, परदादे का रोल भी किया। जब मैंने उसमें इमाम बख्श पहलवान का रोल किया तो वो एक दादे का रोल था, बहुत बड़े एक पहलवान का रोल था, तो वो दुनिया का पहलवान है, तो वो किस तरह मतलब यहाँ पे ऐसे उठाकर, तो वो ओए गाल सोए मेरा पुत्रा। 900 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको हुकूमत ने कोई सरकारी तौर पर एजाज़ नहीं दिया, वजह क्या समझते हैं? फिल्मों के नेशनल अवार्ड मुझे मिले 946 मूवीज, हुकूमत की नज़र मेरे पर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मेरे पीछे कोई सिफारिश नहीं है, ये सिफारशी मंद लोग कुछ होते हैं। आप जो देखिएगा, मैं खिलाफ तो किसी के बोल नहीं रहा, ऐसे आर्टिस्ट भी आई हैं, ऐसी आर्टिस्ट भी आई हैं जिनको बैठने का ही पता नहीं तो उसको नेशनल अवार्ड दे दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आई एम ए विलन, लोग समझते हैं कि यार शफकत चीमा में विलन है, लेकिन लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं लोगों के दिलों पर मोहब्बत करता हूँ, मुझे इसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों की मोहब्बत की ज़रूरत है।